ऑक्सीफोर्ड एक्सेल कैप्सूल के अंदर ल्यूटेन, मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल्स दिए हुए हैं। 100% लोग मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल्स के बारे में जानते हैं। क्या आप फैट सोल्यूबल मल्टीविटामिन और वाटर सोल्यूबल मल्टीविटामिन के बारे में जानते हैं? इन दोनों मल्टीविटामिन यानी फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल मल्टीविटामिन में से कौन सी मल्टीविटामिन हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है, कौन सी हमारी बॉडी के लिए फ़ायदेमंद है, कब तक हमें इसका सेवन करना चाहिए? तो सबसे पहले हम बात करेंगे ल्यूटेन के बारे में। ल्यूटेन का प्रयोग रेटिनाइटिस यानी आँखों का एक विकार जिसमें आँख की रेटिना के पीछे की दीवार क्षतिग्रस्त हो जाती है, तब उस स्थिति में हम ल्यूटेन को प्रयोग में लाते हैं। इसके अलावा मोतियाबिंद, आँख के सामान्य रूप से साफ लेंस पर जो धुंधलापन का छा जाना उसे हम मोतियाबिंद कहते हैं, उस स्थिति में भी हम ल्यूटेन को प्रयोग में ला सकते हैं। अब हम बात करेंगे मल्टी विटामिन्स के बारे में। कई लोगों का मानना है कि पोषक तत्वों से भरपूर नाश्ते के बजाय मल्टी विटामिन की गोलियां बॉडी के लिए ज़्यादा फायदेमंद होती हैं, क्योंकि ये आसानी से मार्केट पे, मेडिकल की दुकान पर सस्ती रेट पे मिल जाती हैं। लोगों का मानना यह भी है कि फल सब्जी से संतुलित आहार अगर ना मिले तो मल्टी विटामिन बॉडी को फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। लोगों का यह भी मानना है कि अधिक मल्टी विटामिन यूरिन यानी पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाता है, पर यह सच नहीं है। मल्टी विटामिन दो तरीके के होते हैं, फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल। विटामिन बी और सी वाटर सोल्यूबल है जो यूरिन के रास्ते यानी पेशाब के माध्यम से बाहर निकल जाता है, और विटामिन ए, डी, ई और के फैट सोल्यूबल है, यह शरीर में जमा हो जाता है यानी स्टॉक हो जाता है। इसके नुकसान क्या होंगे? फैट सोल्यूबल मल्टी विटामिन के अगर अधिक मात्रा में लेने पर यानी विटामिन ए डी ई के ज़्यादा मल्टीविटामिन का सेवन फायदे के बजाय नुकसान पहुंचा सकता है। ज़्यादा उपयोग करने से हाइपर विटामिनोसिस की समस्या हो जाती है, यानी जिसमें यानी हाइपर विटामिनोसिस में पेट से संबंधित समस्या, डायरिया, हार्मोन्स की गड़बड़ी, लिवर को नुकसान यानी विटामिन ए से लिवर को नुकसान, डी यानी विटामिन डी से हार्मोन्स की गड़बड़ी, ई से त्वचा की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए। कई लोगों का मानना है कि विटामिन ई त्वचा की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाते हैं, और जिंक यानी जिंक के ज़्यादा इस्तेमाल से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और ये बॉडी में धीरे धीरे स्टॉक होने लगते हैं, जिसे हम फैट सोल्यूबल मल्टी विटामिन कहते हैं। तो आपको समझ में अब आ गया होगा कि फैट सोल्यूबल मल्टी विटामिन क्या है, वाटर सोल्यूबल मल्टी विटामिन क्या है। मैं दोबारा रिपीट करूँगा, फैट सोल्यूबल मल्टी विटामिन ए, डी, ई और के में पाया जाता है, जो बॉडी में नुकसान यानी नुकसान पहुंचा सकता है। ये आपको ज़्यादा मात्रा में ज़्यादा महीनों तक इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इनकी कमी होने पर ही इस्तेमाल करें। विटामिन ए, डी, ई, के और ई और जिंक, जिंक ब्लड प्रेशर को बढ़ा देगा, बाकी की ए, डी, ई, के ये आपके डायरिया, हार्मोन से संबंधित समस्या, अगर हार्मोन से संबंधित समस्या अगर महिलाओं में हो गई तो पीरियड का गड़बड़ी होना और डिप्रेशन की समस्या, पीरियड का ज़्यादा मात्रा में आना, इस तरीके की समस्या हो सकती है हार्मोन्स की गड़बड़ी से। और वाटर सोल्यूबल मल्टी विटामिन बी और सी वाटर सोल्यूबल है जो यूरिन के रास्ते बाहर निकल जाता है। इसकी इस कैप्सूल की जो मार्केट रेट है इसमें कितना है, 120 यानी 120 रुपये के ये 10 कैप्सूल का पत्ता है, इस तरीके की पैकिंग में आपको मिलेगा। उसी मात्रा में लें जब तक आपकी बॉडी को मल्टी विटामिन की ज़रूरत हो, ज़्यादा मात्रा में आप मल्टी विटामिन का सेवन ना करें। धन्यवाद, गुड बाय, बाय बाय।